देवेंद्र जी, अनिल बनवारी, इंडियन टेलीविजन। देखिए, अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है सॉफ्ट पावर। महाराष्ट्र का सॉफ्ट पावर कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि दूसरे देशों के हम कंपनी इधर ला सके, और आपका क्या विचार है उस दिशा में? देखिए, जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर है हमारा। और आज हम लोग जब मोबाइल के एरा में और डिजिटल एरा में है, तो ऐसे समय डिजिटल कंजम्पशन हमारा बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी बड़े पैमाने पर आ रही है। और ये जो सॉफ्ट पावर हमारा तैयार हुआ है, मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से ये दीज आर द बेस्ट एम्बेसडर्स, ये दुनिया में भारत को पहुँचाने का काम करते हैं। और आज मैं देख रहा हूँ कि वर्ल्ड की जो चाहे वो एंटरटेनमेंट कंपनीज हो, चाहे वो न्यूज़ की कंपनीज हो, या अलग अलग सॉफ्ट पावर में काम करने वाली कंपनीज हो, ये सारी की सारी इंडिया आना चाहती है, ये भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में आना चाहती है, मुंबई में आना चाहती है। और हम लोगों ने उसके लिए अपने दरवाजे भी खुले रखे हैं और अपनी बाहें भी खुली रखी है। उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इन दोनों चीज़ों पर हमने वर्किंग किया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे लोग भारत में और विशेष रूप से महाराष्ट्र में आए हुए आपको दिखेंगे।